कॉन्फिडेंस हो तो बाबर आजम जैसा, आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम हो, फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और बिल्कुल तैयारी में कि वो क्रिकेट वर्ल्ड की दुनिया में रूल करेंगे इंशाल्लाह। तो कॉन्फिडेंस लेवल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कल मैच है इंडिया से, उसकी अनाउंसमेंट हो गई, यानी कि 11 खिलाड़ी की अनाउंसमेंट जो टॉस से चंद मिनट पहले की जाती है, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने की, क्रिकेट मैनेजमेंट ने टीम अनाउंस कर दी। और ये एक बहुत कॉन्फिडेंस लेवल होता है क्योंकि अब तक इंडिया ने अपनी अनाउंसमेंट नहीं की अपने 11 खिलाड़ियों की। तो पाकिस्तान ने पहले ही अपने हरीफ को, द बिगेस्ट राइवलरी को बता दिया कि यार ये है हमारे खिलाड़ी, इनसे आपको टकराना है, इनसे बच सकते हो तो बच लो, कोई चीज़ हिडन नहीं है कि एंड टाइम पे चेंज हो रही है जो होता है हमेशा से। लेकिन अभी तक इंडिया की क्रिकेट टीम का अनाउंस नहीं हुआ कि इंडिया कल कौन से 11 खिलाड़ी खिलाएगा। जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो ये है कि केएल राहुल की वापसी हो रही है और ईशान किशन शायद जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। हालांकि ईशान किशन वही हैं जिन्होंने इंडिया को, इंडिया की बची कुची इज्जत बचाई थी हार्दिक पांड्या के साथ लास्ट मैच जो पाकिस्तान से हुआ था। अब देखना यह है कि इंडिया क्या टीम उतारता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की वो सेम वही है जो पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, वही टीम है। इंडिया के खिलाफ जो मैच में जो मोहम्मद नवाज खेल रहे थे उसकी जगह फहीम अशरफ, यानी कि पाकिस्तान अपने चार फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहा है। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक चीज़ की एक रियलाइजेशन हुई है कि उनके स्पिन अटैक काम नहीं कर रहा है और उसी वजह से उन्होंने फहीम अशरफ को खिलाया। फहीम अशरफ की जो खबरें आ रही थी कि वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं है, तो शायद वो इस बात को, कोई कहीं से प्रेशर आ रहा है कि फहीम अशरफ को चांस दिया जाए और फहीम अशरफ परफॉर्म करें और अपने आप को साबित करें, जो कि 28 सितंबर तक तारीख है पाकिस्तान के पास अपने प्लेयर्स में, प्लेयर्स की जो 15 रुकनी टीम है उसमें चेंजेस करने की। तो मुझे लग रहा है कि फहीम अशरफ वर्ल्ड कप तो ज़रूर खेलने जाएंगे, क्योंकि अगर वो कल क्रूशल मैच जो इंडिया के खिलाफ है उसमें वो खेल रहे हैं मोहम्मद नवाज की जगह, हालांकि शादाब नवाज दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो खैर, इंडिया को पहले से बता दिया है, इंडियन बैटर्स को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया है कि पहले भाई ये बॉलर्स हैं, ये टीम है, खेल सकते हो तो खेल लो। अब देखना ये है कि इंडिया कौन क्या किस कॉम्बिनेशन से आता है। खबरें ये हैं कि केएल राहुल की जो वापसी हुई है तो वो कीपिंग करेंगे और केएल राहुल जो है वो ओपनिंग करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने चंद दिनों पहले मीडिया से जो बात की थी उसमें उन्होंने कहा था कि शुभमन गिल तैयार हैं वन डाउन पे आने के लिए। यानी कि अगर शुभमन गिल जो है वो थर्ड पोजीशन पे आने के लिए, बैटिंग के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है कि विराट कोहली मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे। तो विराट कोहली मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे तो ईशान किशन तो खेल रहे हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ईशान किशन खेल रहे हैं। फिर हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बन रही है फिर से, और फिर जडेजा है, फिर कुलदीप यादव है, और अब ये देखना ये है कि सिराज खेलते हैं या शामी खेलते हैं। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान ने जैसे अपनी अनाउंस किया ना, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया भी अपने चार फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने को तैयार होगा। तो शामी भी होंगे, बुमराह भी होंगे, सिराज भी होंगे और सरदार सरकार जो वो भी खेलेंगे। तो एटमॉस्फेयर खड़ा है, सब तैयार बैठे हैं, अब सिर्फ एक चीज़ की देरी है कि कहीं बारिश ना मैच इंटरप्ट कर दे, क्योंकि आज जो मैच हुआ है श्रीलंका और बांग्लादेश का, इसमें बारिश नहीं हुई, तो पूरा मैच हुआ, कहीं इंटरप्शन भी नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं कि कल जो क्रूशल मैच है वो पूरा हो और बारिश ना हो। तो मज़ा तो बड़ा आने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान ने अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान मैच से 24 घंटे पहले कर दिया है, अपने हरीफ को बता दिए कि भाई ये हैं 11 खिलाड़ी, इनसे निमट सकते हो तो निमट लो, इनके बदले क्या कौन कौन को किसको शामिल कर सकते हो तो कर लो। तो अब उसी की कॉपी करेगी इंडिया और वो चार फास्ट बॉलर्स के साथ आएगी, ये आप लिख के रख लीजिएगा। तो इसका आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट के जो कप्तान हैं वो किस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से मैं इस वक्त मैदान में उतरेंगे इंडिया के खिलाफ। तो यहाँ जो आज अनाउंसमेंट हुई ना, तो इंडिया मीडिया हिल के रह गया कि यार चलो समझ आ रहा था कि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ है या अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ पाकिस्तान ने टीम पहले अनाउंस कर दी थी, लेकिन यहाँ या नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान ने यहाँ बड़ी राइवलरी टीम के खिलाफ 24 घंटे पहले अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया।
तो यहाँ और इंडिया नहीं कर सका, और इंडिया अब कल सुबह ही करेगा जब टॉस होगा। उससे पहले जो एक पेपर तब्दील होता है मैच रेफरी अंपायर्स और दोनों टीमों के दरमियान पेपर में नेम का, तो वो होगा। इंडिया की टीम उसी वक्त पता चलेगी कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। दो दो ही चीज़ें होंगी, मैंने आपको बता दी कि राहुल है, क्योंकि के राहुल फेवरेट चल रहे हैं इस वक्त। तो कौन तैयार है? रोहित शर्मा ने 5 दिन में बैटिंग के लिए बैटिंग की प्रैक्टिस की या नहीं की, इसके बारे में कल पता चलेगा। बस दुआ करें कि बारिश ना हो, मैच अच्छा हो। पाकिस्तानी बॉलर्स जो दुनिया में इस वक्त राज कर रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स परेशान हैं, वो कल धमाल करने वाले हैं। क्योंकि एक मसला ये है कि जिस जगह मैच है वहाँ ओस पड़ेगा, ओस पड़ेगा तो जाहिर है कि जो टॉस जीतेगा वो फिर से बॉलिंग की तरफ जाएगा। क्योंकि जब दूसरी बॉल सेकंड बॉलिंग आप करोगे तो बॉल गीला होता है, जब वो गीला होगा तो वो आपसे स्लिप भी होगा, और फिर वो आप जो आप पाकिस्तानी बॉलर्स हो या कोई भी बॉलर हो जो स्विंग करना चाहेंगे वो होगी नहीं। तो डेफिनेटली कोई भी कप्तान टॉस जीतेगा अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। कल सुबह क्या हो जाए नहीं पता, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ ऑस को देखिए, पिच किसी ने नहीं देखी, पिच जो अभी देखी है वो वैसी नहीं है, वो कल तक कुछ और ही होगी। तो जो से और फिर मौसम आपको पता है क्या है कोलंबो का, तो अभी तक तो ये है कि जो टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करेगा, वो रिस्क नहीं लेगा। तो पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें वीक है चेस करने में, तो यहाँ पाकिस्तान को भी थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, इंडिया को एज है। तो अब इंडिया ने तैयार है, 5 दिन इंडिया को मिले थे पाकिस्तानी बैटर्स के खिलाफ अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, क्या कि वो उनका मुकाबला कर सकें। तो देखते हैं आज के लिए, तहीं मजीद अपडेट्स के लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।